आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दिल्ली में 10 दिन रहने के बाद दी अपनी प्रतिक्रिया, आंदोलन में लंगर और हॉस्पिटल जैसी सुविधा की तारीफ। 26 जनवरी पर हुए विवादित मुद्दे पर रखी अपनी बात, बीजेपी सरकार का किया खुल के विरोध। एनआरसी और सीएए जैसे कानून के खिलाफ भी पूरे प्रदेश में हुए आंदोलन में राशिद मंसूरी निभा चुके हैं मुख्य भूमिका। एनएचआई न्यूज से की खास बातचीत, युवाओं को दिया जुल्म के खिलाफ लड़ने और सेवा ही धर्म का संदेश। बड़वानी जिले में एक कोल्ड स्टोरेज के लिए जल्द ही कर सकते हैं आंदोलन का ऐलान। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सेंधवा के मशहूर समाज सेवी राशिद मंसूरी मौजूद है। राशिद मंसूरी वो शख्स है जिनकी मदद कमेटी 26 जनवरी के दिन कलेक्टर द्वारा सम्मानित की गई है। ये वही शख्स है जो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पिछले 10 दिनों से मौजूद थे। आइए अब हम राशिद मंसूरी जी से बात करते हैं। सर, आप पिछले 10 दिनों से वहाँ पर थे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं पिछले दस दिनों से वहाँ पर रहा हूँ और जो वहाँ का माहौल है बहुत अच्छा माहौल रहा है। और 10 दिनों का एक्सपीरियंस ये रहा है हमारा कि जो मीडिया पर बताया जाता है कि सिर्फ दो स्टेट का या हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, तो वो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। और किसान आंदोलन, जो किसान के जो बिल आए हैं, काले बिल आए हैं, इसके हम खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल माहौल है, जिस तरीके का बताया गया। अभी खैर वहाँ पर इंटरनेट बंद है तो वहाँ के भी वीडियो वायरल हो नहीं रहे हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि बिल्कुल बहुत इज्जत मिली है वहाँ पर। ऑन द स्टेज गया हूँ मैं, और मध्य प्रदेश का अब जाकर देखा जाए तो अपने संभाग में मैं अकेला शख्स था जो ऑन द स्टेज गया, और वहाँ पर मैंने स्पीच करी है। किसानों के बड़े नेता राहुल राज, जो किसान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ मैं रहा हूँ वहाँ पर। पिछले चार दिन उन्हीं के साथ मैंने बिताए भी हैं वहाँ पर। तो जो काला बिल है, काले कानून के खिलाफ जो आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है। वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है आंदोलन में, फैसिलिटी बहुत अच्छी इंतज़ाम कर रखा है उन्होंने। खाने पीने के लंगर चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक दो लंगर, 10 से 20 लंगर चल रहे हैं, और इतना ही चाय का, नाश्ते का, खाने का, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी उन्होंने वहाँ पर बना दिया है, मेडिकल उन्होंने वहाँ पर बना दिए। तो सारी सुविधाएँ फ्री दी जा रही है। और एक किसानों के समर्थन में जो रैली आ रहा है, जो भीड़ आ रही है, वो एक बड़ी बात है कि देश अपने लिए आवाज़ उठा रहा है देश जुल्म के खिलाफ। जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमारे खिलाफ जा रही है, तो जो इसके खिलाफ देश आवाज़ उठा रहा, तो ये बड़ी बात है देश के लिए। सर, 26 जनवरी के दिन जो वहाँ पर घटना घटी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, 26 जनवरी के दिन एक्चुअली क्या था कि हमारी ट्रैक्टर रैली थी, जिसमें लाखों किसानों आए थे, और लाखों की तादाद में ट्रैक्टर भी थे वहाँ पर। बट मैं जहाँ पर था सिंधु बॉर्डर पे था, जहाँ से सिंधु बॉर्डर से हम लोग लेके चले थे, जिस आंदोलन को लेके चले थे सिंधु बॉर्डर से, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में 50-60 हज़ार ट्रैक्टर उसी रोड से, एक पानीपत वाले रोड से आए थे। बट हमको मुबारका चौक के नीचे रोक दिया गया था। मुबारका चौक के आगे वो आंदोलन आगे ही नहीं गया। रही बात जो 26 जनवरी के दिन जो लाल किले में घटना हुई है, और वो जो शख्स था जिसने वहाँ पर इस तरीके की घटना गए, वो असामाजिक जिसने वहाँ पर इस तरीके की घटना गए, वो असामाजिक तत्व था। और वो कौन था, क्या था, वो सब बाद में मीडिया ने बताया ही है कि कौन शख्स था, किस पार्टी से बिलोंग करता था वो शख्स। तो उसमें हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो एक असामाजिक तत्व था जो इस तरीके की जो किसान आंदोलन को फेल करना चाह रहे थे, जो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे, जो उसका विरोध करते थे, उस तरीके के लोग थे। बाकी जो किसान थे तो उनका कोई ऐसा पर्सनली वो रहा नहीं है, कोई ऐसा असामाजिक तत्व आए नहीं है किसानों में। और बहुत अच्छे लोग आए हैं, और बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। आज हम जैसे नौजवान जो ना कि किसान हैं, बट हमारे देश के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमको लग रहा है कि अरे हमारे लिए कोई कानून आ रहा है, ये कानून हमारे लिए गलत है, तो हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे जैसे कई नौजवान हैं, कई पढ़े लिखे लड़के हैं, जैसे हमें हमारी खेती किसानी से कहीं से कहीं तक वास्ता नहीं रहा है। हम अच्छी जॉब करते हैं, अच्छे बिजनेस क्लास लोग हैं, बट हमारे जैसे नौजवान जब वहाँ पर आए और किसान आंदोलन का समर्थन करा, और वो एक मैसेज निकल के आया कि देश का नौजवान आज उठ के खड़ा हुआ है, वो देश के लिए बात कर रहा है, वो देश के बारे में सोच रहा है, ये देश के लिए एक अच्छी बात है। और वो जो असामाजिक तत्व है, तो सभी जगह होते हैं आंदोलन में, पहले भी कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, और पहले भी कोई ऐसी घटना है, उससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। सर, आप दिल्ली तक के गए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सर, आपसे हमारे क्षेत्र के किसी किसान नेता ने संपर्क किया है क्या?
नहीं, लोकल इस क्षेत्र के किसी किसान नेता ने, इस एरिए के किसी खरगोन बड़वानी जिले के किसी किसान नेता ने संपर्क अभी तक तो नहीं किया है, बट कहीं भोपाल से भी किसान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राहुल राज मेरे साथ रहे और बाहर से मध्य प्रदेश से बड़े किसानों ने के संपर्क में हुए और अभी भी बॉर्डर पे कई काफ़ी किसान नेताओं के संपर्क में हूँ और काफ़ी लोगों से वहाँ पर अभी भी आंदोलन जारी है और काफ़ी लोगों से हम लोग वहाँ पर संपर्क में हैं। सर शहर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसा शख्स शहर में मौजूद है। सर शहर के नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश है? शहर के नौजवानों के लिए क्या संदेश, एक मुहावरा बचपन से सुना है कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही धर्म है, तो समाज की सेवाएं करते रहो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहो, समाज की सेवा करते रहो, गरीब की मदद करते रहो। मदद कमेटी हमारी, जो मदद कमेटी है, जो मेरी हमारी तंजीम है और वो जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसे नौजवानों को भी शहर में गरीब परिवारों के लिए, बीमारों के लिए या समाज में किसी भी ऐसा कोई वर्ग है जहाँ आपको लग रहा है कि ये पिछड़ा, तो उसको आगे बढ़ने के लिए शहर के नौजवान जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, जिस तरीके से नौजवान बड़े बड़े आंदोलनों में भाग ले रहे हैं, तो ये बड़ी बात है और शहर के नौजवानों ने भी यही करना चाहिए कि सेवा ही धर्म है, ये जो नाम है कि सेवा ही धर्म, जितना अच्छा बोलने में लगता है उतना अच्छा करने में भी लगता है कि